की ऐसी घटनाएं जो आपका दिल दहला दे। ऐसी खबर जो सबको हिला दे, जो हर पहलू से कराता हो रूबरू, जो सबके लिए हो खास, जो बताए भोजपुर की संस्कृति और साथ में भोजपुर का इतिहास। भोजपुर का दर्पण, भोजपुर दर्शन। भोजपुर दर्शन, आपकी बात आपके साथ। आप देख रहे हैं भोजपुर दर्शन और मैं हूं राजेश तिवारी। पुलिस प्रशासन अपराध पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से लगातार छापेमारी कर रही है और गुप्त सूचना के आधार पर भोजपुर पुलिस ने पौना की पवार गांव में छापेमारी किया, जिसमें हथियार तस्कर गिरोह को गिरफ्तार किया। इस तीन गिरफ्तार अपराधियों के पास से कई जिंदा कारतूस के साथ ही एक राइफल और एक दुनाली बंदूक भी बरामद किया गया। इस संदर्भ में पुलिस उपाधीक्षक ने पत्रकारों से जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन अपराध पर नियंत्रण करने के लिए इस प्रकार की छापेमारी जारी रखेगी। दरवाजा लगा दीजिए। सुनो भैया, हाथ इन्होंने मत करना। ना सर, दिक्कत नहीं थी हमें। देना भाई, क्या बोलते सर, हटा दीजिए। मुझे गुप्त सूचना मिली थी कि पवार गांव में कुछ हथियार तस्करी किया है। उसके आधार पर अभियान साहब के और मेरे नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। हम लोग ने सबसे पहले विनीत के घर छापेमारी की, उसके घर से एक हथियार और 12 गोली मिला हम लोग को। उसी के पूछताछ क्रम में इन्होंने बताया कि ये अभी हथियार जो है अपना सुनील सिंह उसी गाँव के हैं, उनके यहाँ से भी लाते हैं, वो भी हथियार। रात में फिर से घर छापेमारी किया गया। उसके घर से भी दो नली बंदूक एक बरामद की गई, राइफल दो नली, 10 गोली उसके यहाँ से बरामद किया गया। कुल हम लोग ने 26 गोली बरामद किए हैं और 2 राइफल बरामद किया गया। ये तस्करी गिरोह का, हथियार तस्करी गिरोह का उद्भेदन क्रम में दूसरी करी है ये, और आगे भी ये छापेमारी चलते रहेगी। जो भी जिला में है उसको लगातार पूछताछ कर रहे हैं। ये लोग हथियार सर कहाँ से लाते थे और किसको बेचते थे, ये हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। अभी ये लोग बता रहे हैं किधर से छापेमारी की जाएगी। जांच हो रही है, 7 एक गोली भी 10 मिली है, और भी गोली है, 7 की 10 है, 8 की 2 गोली है, 12 बोल की 14 गोली, कुल 24 गोली बरामद की गई है। नागरी बाजार में स्थित केंद्रीय पुस्तकालय की विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उप विकास आयुक्त ने बैठक किया, जिसमें कई दिशा निर्देश भी दिए। छात्र छात्राओं के पठन कार्य में और ज्यादा सहूलियत हो, इस पर भी विचार विमर्श सभी सदस्यों के साथ उप विकास आयुक्त ने केंद्रीय पुस्तकालय में किया। और नागरिक बताने के मेंबर है और ये डॉक्टर रामाशंकर जी, ये देखिए उन्होंने कॉलेज से ये हमारे सर मेंबर हो गए और अपना विधायक लोग को पहचानते हुए पिछला बैठक उसको सटा लेते हैं कुछ से पोर्टेबल सारी कर लिए बस देखने Thank you.
अब हमारे उमा शंकर पांडे जी सैन्य सर का स्वागत है। अब हम चाहेंगे प्रोग्राम रजा सर आप दीजिए ना सर। एवं सम्मानित और विद्वान तमाम सदस्यगण, मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि आज इस पुस्तकालय में हमारे एक विद्वान और इस जनपद के विकास आयुक्त महोदय पहुँचे हैं। मैं भी कई बार गया हूँ लेकिन आप लोग क्या आश्चर्य होगा सुन करके कि मैं पहला बार देखा हूँ कि कोई फाइल वहाँ रिसीव नहीं है। हैंड टू हैंड जाइए और हैंड टू हैंड का काम करा कर गए। मैं तो गया तो हद पर हो रहा गया। ये साहब कहें कि जाइए फाइल रखने की जरूरत नहीं है और फाइल ले गए सर गए और देखे डिस्कशन किया अपनों का हमको देखी थी भाई दंग रह गए। यही फाइल को एक बार हम गया था चार दिन पांच दिन मीटिंग के लिए इसी पढ़ा रहा कोई रिजल्ट नहीं। इसके लिए मैं तहे दिल से इस पूरे कमेटी की ओर से और इस पुस्तकालय की ओर से सर का शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे भोजपुर जनपद में आपके जैसे तेजस्वी पदाधिकारी का आगमन हुआ है। दूसरी बात जहाँ तक सर पुस्तकालय के फंड के विषय की बात है, मैं 13 में सेक्रेटरी बना इस लाइब्रेरी का और 13 में जब सेक्रेटरी बना तो ये लाइब्रेरी मात्र 3 घंटा चलते 5 बजे से लेकर के 8 बजे। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सैकड़ों वादों का निष्पादन किया गया जिसका उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दीप प्रज्वलित कर की। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस माध्यम से आम जनता अपने वादों का निपटारा निशुल्क कर सकता है। अदालत में बैंक ऑफ बड़ौदा के करीबन जो है 200 केसेज हैं और हम लोग यहाँ पे जो है उपस्थित हुए हैं। इसमें जो है जो भी हमारे खातेदार जो है लोन खाता जो है NPA हो गया है उसके जो है सेटलमेंट के लिए हम लोग आए हुए हैं और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा केस यहाँ पे करने का कोशिश करेंगे। और जितने भी जो है NPA बॉरोअर हैं हम लोगों ने पहले भी उनसे लोगों से मुलाकात करके जो है बोला है और आज इसी क्रम में हम लोग यहाँ पे आकर के उनके केसेस को सेटल करने का प्रयास करेंगे। अदालत में बैंक ऑफ बड़ौदा के करीबन जो है 200 केसेज हैं और हम लोग यहाँ पे जो है उपस्थित हुए हैं। इसमें जो है जो भी हमारे खातेदार जो है लोन खाता जो है NPA हो गया है उसके जो है सेटलमेंट के लिए हम लोग आए हुए हैं और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा केस यहाँ पे करने का कोशिश करेंगे। और जितने भी जो है NPA बॉरोअर हैं हम लोगों ने पहले भी उनसे लोगों से मुलाकात करके जो है बोला है और आज इसी क्रम में हम लोग यहाँ पे आकर के उनके केसेस को सेटल करने का प्रयास करेंगे। इस संदर्भ में जब विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेंद्र प्रसाद से जानकारी हासिल किया गया तो सुनिए प्रधानाचार्य की बातें। वीरपुरवासी विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा की चुनौती और उसका समाधान विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस विषय पर उपस्थित वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि उच्च शिक्षा का समाधान एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसे हम सभी को स्वीकार करनी चाहिए। डॉक्टर समीर कुमार वर्मा, डॉक्टर अनिल सिंह, डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, मित्रों हम अपने बड़े भाइयों को सम्मानित, अगर कोई त्रुटि हुई हो सम्मानित करने के दौरान किसी भी तरह का चाहे वो तकनीकी रूप से या कोई दोष के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आगे
महादान होता है और नेत्रदान से बड़ा कोई दान नहीं है। नेत्रदान के प्रति आम जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से सक्षम के द्वारा प्रातः काल एक जागरूकता रैली निकाली गई। इस जागरूकता रैली के माध्यम से आम जनता को जागरूक किया गया कि अपने मरणोपरांत नेत्र का दान करें ताकि गरीबों और असहाय लोगों को रोशनी मिल सके। दीपे दीपे कार्यक्रम है और छात्र हम लोगों का एक तरह से सम्मान करना चाह रहे हैं जितने कंप्यूटर साइंस विभाग के शिक्षक हैं डायरेक्टर हैं, तो मैं तहे दिल से उन सभी छात्रों के प्रति शुक्रगुजार हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ और हमारे प्रति सम्मान नहीं शिक्षा के प्रति सम्मान दें। शिक्षकों को दिया गया सम्मान दरअसल शिक्षा के को दिया गया सम्मान होता है और शिक्षा को दिया गया सम्मान इनके भविष्य को सुधारेगा। मैं इसी उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहा हूँ। समाचारों में अभी और भी है, आप देखते रहिए भोजपुर दर्शन। शादी विवाह के शुभ अवसर पर हॉलमार्क ज्वेलरी सोना चांदी के फैंसी गहनों के साथ आकर्षक साड़ियों के विक्रेता लल्लू शाह एंड सन्स ज्वेलर्स एवं साड़ी वाला जेल रोड मैना सुंदर धर्मशाला के पास आरा, जहां एक ही छत के नीचे अब गहनों के साथ कपड़े भी खरीदें। डायमंड ज्वेलरी एवं ब्रांडेड ज्वेलरी के एक से बढ़कर एक डिजाइन किए हुए गहनों की खरीदारी एकमात्र भव्य शोरूम में, जिसका नाम है लल्लू शाह एंड सन्स ज्वेलर्स एंड
साड़ी वाला, जिसका पता है मैना सुंदर धर्मशाला के पास, जेल रोड, आरा। मैं तेनु समझावांगी ना तेरे बिना लगता जी। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय फ्रॉम प्ले टू स्टैंडर्ड 10 विथ 3D प्रिंटिंग एंड रोबोटिक्स। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय बामपाली आरा। बासु ITI NCVT DGET से मान्यता प्राप्त, आप सभी के सहयोग से लगातार 4 वर्षों से सफल होंडा कंपनी अहमदाबाद 2-व्हीलर्स और मैन फोर्स टाटा झारखंड 4-व्हीलर्स दोनों कंपनियों में लगभग 50 छात्रों की नियुक्ति तथा 100% छात्रों की नियुक्ति के लिए प्रयासरत। इलेक्ट्रीशियन, हीटर, डीजल मैकेनिक इत्यादि की तैयारी के लिए संपर्क करें बासु ITI कुलहरिया आरा भोजपुर। मोबाइल नंबर 9430032301 9334192301। शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी, लोकप्रिय एवं लाखों संतुष्ट ग्राहकों की अपनी दुकान कुमार एंड सेंस ज्वेलर्स, आपको मिलता है 75% तथा 91.6% हॉलमार्क सोने के जेवरों के साथ शुद्ध चांदी के गहने, चांदी के बर्तनों के अलावा ब्रांडेड हीरे के जेवर तथा ग्रह रत्नों के विक्रेता। हीरे के जेवरों पर फ्लैट 15% की छूट पाने के लिए अवश्य पधारे शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी आपकी अपनी दुकान हरखेम कुमार एंड सन्स ज्वेलर्स गोपाली चौक। के उज्जवल भविष्य के लिए अंत वातावरण में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु संपर्क करें बालिका उच्च विद्यालय महादेवा रोड आरा। आपका स्वागत है। आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीतियों के साथ बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं पर अपना विचार व्यक्त करते हुए जदयू के वरीय अधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किया। संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बिहार सरकार अपराध पर अंकुश करने के लिए कई योजना भी बनाई है और सुशासन को लाने के लिए हर वचनबद्ध है। जदयू के वरीय अधिकारियों ने भी अपनी कई विचार व्यक्त करते हुए अन्य बातों की भी जानकारी दी। आइडिया बस ये है हर घटना के 2-3 दिन के बाद कहीं ना कहीं RDD के वर्कर के सामने आते हैं। ये प्लांट सुनियोजित है, पहली बार हो रहा है, लालू जी के टाइम में नहीं होता था। नए युवराज जो तेजू बाबा है शीर्ष नेतृत्व के यहाँ से जिला में कार्यकर्ताओं को निर्देश हो रहा है, उपद्रव करो, मॉब जुटाओ, हंगामा करो, सरकार को बोलो लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि हर घटना के पीछे फिर RDD के लोग कैसे करें। दूसरा कि भोजपुर का आंकड़ा आपको देती है, न्यूज़ 2005 तक भोजपुर में अपराध का आंकड़ा क्या था, 5 से लेकर 18 तक में क्या था, जब तक 15 से 16 महागठबंधन की सरकार थी तब क्या आंकड़ा था, 16 से 18 NDA की सरकार है तब क्या था, आपके जिला का सर परसेप्शन का बात यहाँ पे है। आप खुद ही देखिए ना, पिछले 10 साल में आप भोजपुर में क्या आराम में राइफल निकला हुआ गाड़ी दिखता है। तरारी प्रखंड में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, लेकिन उस कार्यशाला में अधिकारी गायब पाए थे। अधिकारियों पर न होने को लेकर स्वच्छाग्रहियों ने जमकर हंगामा किया। स्वच्छाग्रहियों का कहना है कि इस कार्यशाला में जब अधिकारी ही नहीं तो फिर किस बात की यह कार्यशाला आयोजित किया गया। प्रखंड कार्यालय में काफी देर तक हंगामे को लेकर हंगामे के चलते कार्य बाधित भी रहा। समस्या है कि इनको BC द्वारा बुलाया गया था। ये सभी उत्प्रेरक हैं। ये सभी उत्प्रेरक 19 पंचायत से लोग उत्प्रेरक कोऑर्डिनेटर लोग आए हैं। अच्छा 40 व्यक्ति आए हैं और ये लोग का दिशा निर्देश देने के लिए यहाँ बैठक एक बुलाया गया था मनरेगा भवन तरारी में। मनरेगा भवन तरारी जी। कौन बुलाया था? इसके हेड है मुकेश जी। मुकेश जी समन्वयक मुकेश। हाँ, उन्हीं के निर्देश पर यहाँ से हम लोग के पास फोन गया जी। तो हम लोग का क्या किए कि पहले से तो मालूम था नहीं जी, फिर भी अपना काम छोड़ करके और चूंकि पूर्णतः बेरोजगार है, मोटरसाइकिल दूसरा का लेकर के उसमें 100 रुपया का तेल डलवाए और आए यहाँ पर, तो देखे कि यहाँ पर तो भाई कोई है ही नहीं, नदारद लोग हैं, कोई अधिकारी नहीं है, बुला करके वो लोग ना पाता है एब्सेंट में। और मैं अनुमंडला पदाधिकारी को फोन। मेरा नाम अभियानंद है,
मैं अनुमंडला पदाधिकारी को फोन किया तो बोले कि मैं बीडीओ साहब से बात कर रहा हूँ इस विषय पर कि बुला करके कहा बीसी साहब गए हैं मुकेश जी कहाँ चले अब उसी के लेकर के ये लोग को पैसा ये लोग को 6200 रुपया बोले हैं देने के लिए अब बोल रहे हैं पर हेड शौचालय पर 150 रुपया ये लोग इस बात को सक्षम नहीं है वो 50% काम करने के लिए सक्षम नहीं है 150 रुपया में कौन कर पाएगा ये बोल रहे हैं 4 दिन धाना पड़ेगा जो की सरकार निर्धारित जो की मूल्य किया है जो हम लोग का अति है मजदूरी है अगर उससे भी 10-20-50 मिलेगा तो लोग लेने पर सक्षम है लेकिन अब 150 रुपया पर हेड जब लाइटिंग बनेगा तो मिलेगा तो इन लोग का गरीब क्या 3000 क्या नाम है मैं जिला परिषद तरारी उपेंद्र सिंह शिक्षा के विकास और विस्तार के साथ छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य को लेकर केंद्र सरकार और बिहार सरकार कई योजना चला रही है लेकिन उस योजना के लाभ छात्र छात्राओं को कितना मिल रहा है मध्याह्न भोजन की गड़बड़ी बीना प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय डोगरा में देखा गया आइए देखते हैं इस पर एक विशेष रिपोर्ट क्या है हाल मध्याह्न भोजन का प्याज नहीं है ना, प्याज ना। प्याज मिला ही नहीं है क्या बना रही हैं छोला छोला बिना प्याज के कैसे छोला बनेगा तो मिली तो भी नहीं दिए हैं आप मांगे हैं कितना लड़का खाना बना रही कितना लड़का का छोला बना रही कितना लड़के का छोला बना रही है कितना मिला है कितना होगा 1 kg करीब में उन्हें तो गिरी यहाँ पर चला रही हो और डांटते भी हैं हाँ धमकाते भी हैं क्या धमकी देते हैं किसी पे लग जाएंगे कहते हैं ना कि तीसी नहीं देंगे नाम काट देंगे ऐसे धमकी देते हैं ठीक अपना नाम बताओ बाबू अंजलि कुमारी खाना किस टाइप का मिलता है यहाँ पे सर कभी भात कच्चा आता है तो कभी सब्जी जरा हुआ होता है आज पुलाव और छोला का था किस टाइप का खाना मिल रहा है पुलाव चावल जैसा ही रहता है सर पुलाव जैसा नहीं आज जो छोला बना हुआ है तो देखे ही आलू का सब्जी कौन क्लास में हो बाबू तुम 8 हाँ सर बताइए मिड डे मील में बहुत खामियां हैं आपके यहाँ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं है जो भी है हम अपने स्तर से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सही से सही खाना बने यहाँ लेकिन थोड़ा सा 19-20 हो सकता है क्योंकि 200 लड़कों का खाना बनाना है तो उसमें तनिया सा 19-20 तो होगा ही अच्छा यहाँ अंडा वगैरह बांटते हैं अंडा यहाँ बांटने की बात है कि यहाँ ब्राह्मण का गाँव है यहाँ पर लोग अंडा खाना पसंद नहीं करते हैं बहुसंख्यक लोग इसलिए बर्तन की मांग की गई है विभाग से कि बर्तन उपलब्ध कराया जाए तो अलग से बनेगा उसमें अंडा जितने खाएंगे उसको खिलाया जाएगा अभी यदि हम अंडा इस बर्तन में बना देंगे तो कल से विवाद खड़ा हो जाएगा और जो बच्चे खा रहे हैं शाकाहारी वो भी खाना बंद कर देंगे इसके बाद विभाग के तरफ से हम पर दबाव पड़ेगा कि आपके यहाँ बच्चे नहीं खा रहे हैं अंडे की जगह कुछ और हाँ फल दे रहे हैं मौसमी फल दे रहे हैं जब जैसा मौसम रहता है पहले सेब देते थे इसका व्हाट्सएप पर सब फोटो खींचकर भेजा हुआ है सेब देते थे संतरा देते थे इस समय सेब बहुत ज़्यादा महंगा है केला भी बहुत महंगा था अब केला का भाव गिर रहा है अब केला दे रहे हैं ये सब्जी वगैरह का स्थिति बड़ा खराब पुलाव वगैरह नहीं पुलाव वगैरह हमें ज़्यादा तो नहीं लेकिन मानक रूप में दिया जा रहा है बादाम और छोला किसमें डाले हैं अभी छोला का छोला में जो है आलू और चना का सब्जी है प्याज वाज कुछ नहीं प्याज उसमें आज शिवरात्रि था इसलिए बच्चों को के साथ समस्या थी आज कौन सा शिवरात्रि है आज शिवरात्रि है कौन सी शिवरात्रि है यहाँ ब्राह्मण का काम है अच्छा सब्जी में प्याज भी नहीं है मसाला भी सलाद नहीं में मात्र कम मात्रा में टमाटर है हाँ तो वो कोशिश तो बच्चों की संख्या कोई निश्चित नहीं रहती है आज हम बाजार में गए तो यहाँ नजदीक के बाजार है जो चौरस्ता है वहाँ पर खीरा नहीं उपलब्ध हुआ इसलिए टमाटर और प्याज डाल करके देना छोले में प्याज नहीं डाला नहीं डालने के फिर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत हमको प्याज डालना पड़ा छोले में नहीं डालेंगे उसमें तो नहीं डाले शुरू में नहीं डाले कि सलाद में हमको मिल जाएगा खीरा खीरा मिल जाएगा तो यानी सलाद अब प्याज हटा देना हाँ टमाटर और खीरा डाल केला किसे दर्जन दिए हमको तो मान लीजिए हम मंगवाए तो उसको तो हमको तो महंगा दिया आपने कह रहे हैं कि सस्ता कैसे कैसे दिया अब
30-35 रुपए दर्जन दिया, लेकिन ये था कि क्वालिटी बढ़िया थी, पूरा लंबा लंबा केला था। कितना केला बांटते हैं आप? एक केला बांटते हैं। आगे आइए, आगे एक केला बांटते हैं। एक केला बांटते हैं। अब सस्ता जब हो जाएगा तो दो बांटेंगे या सेव बांटेंगे। कितने दिन से एक केला बांट रहे हैं भैया? इधर इधर जब से सेव एक दो दो तीन बार से दे रहे हैं, पहले तो 50 रुपए दर्जन केला था, उस समय एक केला देते थे, इस समय अब हरा छिलका वाला आ गया है। काफी के स्कूल के बच्चे आरोप लगा रहे हैं भैया, सही ढंग से खाना नहीं देते हैं। बच्चे तो स्वतंत्र है, बच्चों को तो खिलाइए, वो भी कह सकता है कि नहीं खाए हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। शौचालय वगैरह की ऐसे ऐसे बहुत से लड़के ऐसे हैं जिनका हम फोटो खींचे हैं, वो अभी कहेंगे कि नहीं खाते हैं, खाते हुए फोटो हमारे पास है। शौचालय वगैरह की भी स्थिति ठीक है? ठीक है। शौचालय की मरम्मत करानी है। एक तो शौचालय जो है खराब हो गया है, हम खबर दिए हैं, आज प्रधान जी से फोन करवाए हैं, वो आएगा उसको साफ करेगा, है ना। आज सलाद उतना ही 190 बच्चों के लिए है ना? नहीं, सलाद की मात्रा तो कोई मानक नहीं है, हाँ उसमें कहीं ऐसा 19-20 हो जाता है, थोड़ा कम हुआ या बेसी हुआ लेकिन दिया जाता है। ठीक है, अपना पूरा परिचय बता दीजिए आप। हमारा नाम राजेंद्र प्रसाद है, मैं यहाँ प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थापित हूँ। मेनू में शनिवार को भी या बुधवार को फल देना है? शनिवार और बुधवार को फल देने की बात इधर ला दी गई है विभाग की तरह से, उसमें हमारे संघ वाले ने कहा है कि इसके अलग से पैसा यदि मिलेगा तभी बनाना है। मेनू में आपका वो जो एक्स्ट्रा देना है फल, उसको मिटाया गया है? नहीं, उसमें लिखा ही नहीं गया, बगल में एरो देकर लिखा, उसमें लिखा ही नहीं गया है, मिटाया नहीं गया है, लिखा नहीं गया है। ठीक, हालांकि निर्देश है विभाग से, विभाग यदि पैसा देगी तो उसको हम अरे कहा नहीं करेंगे। खाने का मन करता है और नहीं नहीं मन करता है। इसमें कौन कौन अंडा खाना चाहता है? हाथ उठा दो ऊपर वहीं से। अंडा खाना है, बैठो। अंडा बनेगा तो खाओगे ना तुम लोग? जो खाएगा वो हाथ उठा दो। सब्जी है ना थोड़ा कम मिलता है, और लड़का लोग बांटता है सब्जी और उसमें झगड़ा भी कर देता है, और खाना भी कम मिलता है और अच्छा नहीं बनता है। अच्छा ये बताओ कि मेनू के अनुसार खाना बनता है कि नहीं यहाँ पे? जौन जौन चीज़ यही रहेला तो केला, आज के दिन केला कितना मिलता है शुक्रवार को? एक केला मिलता है। अंडा कभी खाने का मन करता है कि नहीं? अंडा खाते हो तुम? आरक्षण, महंगाई, भ्रष्टाचार के विरोध में अखिल भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। धरना के माध्यम से केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी किए। कार्यकर्ताओं का कहना था कि केंद्र सरकार अपराध, महंगाई और आरक्षण के मुद्दे पर विफल है। पांच मांगे हम लोगों की हैं। पहला है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार विनिवारक अधिनियम, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने जो नियमन दिए, बिना जांच के गिरफ्तारी न हो और उसकी उचित जांच हो, उसको जिस प्रकार जातीय गुटबंदी और जातीय समूहों के दबाव में केंद्र सरकार ने संसद में अधिनियम लाकर संशोधन पारित करा दिया, उसकी हम निंदा करते हैं और उसे शीघ्र वापस लाने की मांग करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला लागू होना चाहिए। यह मोदी सरकार की सबसे बड़ी भूल है, और जैसे राजीव गांधी की सरकार ने शहबानो प्रकरण में बहुत बड़ी भूल की और देश में सांप्रदायिकता का बीज वृक्ष के रूप में बना दिया, वैसे यह जातीय विष को बढ़ाने वाला है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का अनुपालन और संशोधन के निरस्त करने के लिए पहली मांग। दूसरी मांग है कि देश में 71 साल हो गए, आज तक दलित दलित हैं, वंचित वंचित हैं, पिछड़े पिछड़े हैं और अगड़े अगड़े हैं, आज तक समानता नहीं आई। डॉक्टर अंबेडकर ने मात्र 10 वर्षों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था,
लेकिन प्रत्येक 10 वर्षों पर आरक्षण बढ़ता गया और आज आरक्षण एक राजनीतिक हथकंडा हो गया है, एक राजनीति करने का हथियार हो गया है और जातीय तत्वों को राजनीति में फलने फूलने का मौका दे रहा है। हम चाहते हैं कि सभी गरीब लोगों को पूरा पूरा संरक्षण मिले, उनको रहने खाने पीने पढ़ने की उत्तम व्यवस्था सरकार और समाज करे और सबको स्वावलंबी और सुयोग्य बनाए। जो डॉक्टर अम्बेडकर की भावना थी उस भावना का अनुपालन करते हुए हम आरक्षण को समाप्त करने के मांग में हैं। आज अगड़ों के आरक्षण के लिए भी कुछ नेता मांग उठाने लगे। किसी को आरक्षण नहीं चाहिए, गरीबों को संरक्षण चाहिए, आरक्षण किसी को नहीं। तीसरी मांग है केंद्र सरकार से कि लगातार पेट्रोल डीजल के मांग बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के मांग पर दाम बढ़ रहे हैं और उस दाम पर उनका नियंत्रण नहीं है। जब चुनाव होते हैं उस समय वो उस पर कैप लगा देते हैं, उस समय दाम नहीं बढ़ते और बाद में दाम बढ़ने लगते हैं। पेट्रो पदार्थों का एक निश्चित और निर्धारित दाम हो, उसके मूल्यों को नियंत्रित रखें और महंगाई को हर हालत में कंट्रोल करें, इस पर कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। दो अंतिम मांग है बिहार सरकार से कि उनके यहाँ अपराधीकरण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बेडरूम में अपराधी आकर मर्डर कर रहे हैं, स्कूल में बच्चियों को का अपहरण कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, कानून व्यवस्था तार तार हो गई है, इसे नीतीश सरकार समझें सोचें। और भ्रष्टाचार प्रत्येक विभाग जो है वो वसूली के एक साधन बन गए हैं, रिश्वतखोरी कमीशनखोरी इतनी बढ़ गई है, सड़कें एक साल में जर्जर हो जाती हैं और ठेकेदारों इंजीनियरों की संपत्ति बढ़ती जाती है। इसके विरोध में भ्रष्टाचार अपराध का जो नक्सस है, नेता अपराधी और ये रिश्वतखोर भ्रष्ट तत्वों का जो गठबंधन है उसको तोड़ने के लिए, उसको खत्म करने के लिए और सुशासन की स्थापना के लिए हमारा यह एक दिवसीय धरना। क्या पर्चे हुआ? भारत भूषण पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय जनसंघ। प्रोफेसर संजय कुमार पर हुई हमला के विरोध में आयशा, छात्र राजद और NSUI के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। धरना के माध्यम से छात्र नेताओं ने जमकर बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी किए और उनका कहना है कि हमला करने वाले अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार बिहार सरकार करे। युवा साथी, मैं सबको एक दिवसीय धरना के माध्यम से सबको लाल सलाम पेश करता हूँ। साथियों, आज जो देश में जो कह रहे हैं, एक ऐसा लोकतंत्र है जिसमें किसी शरीर जो मानसिकता है लोग देखिए, धरना का मुख्य उद्देश्य है कि मोतिहारी केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर संजय पर हमला हुआ, उस हमले के खिलाफ हम लोग ने आयशा और छात्र राजद के तमाम साथी हम लोग मोतिहारी मार्च किए थे। मोतिहारी मार्च के बाद तय हुआ था कि तमाम बिहार के जिला मुख्यालयों पर उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग तमाम जिला मुख्यालयों पर धरना देंगे। उसी कड़ी में आज भोजपुर जिला मुख्यालय पर हम लोग धरना दे रहे हैं। हम लोग की मांग है बिहार सरकार से, प्रोफेसर संजय को न्याय दिलाने के लिए आप जो जिन हमलावरों ने उन पर हमला किया उन पर 307 का मुकदमा दर्ज किए, तुरंत गिरफ्तारी लीजिए और उसके बाद जो संघीय कुलपति है वहाँ के अरविंद अग्रवाल जी, उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए। इन्हीं सवालों को लेकर हम लोग आज जिला भोजपुर मुख्यालय पर धरना आयोजित कर रहे हैं आयशा और छात्र राजद के साथ ही। भीम यादव, छात्र राजद अध्यक्ष, वित्त वर्ष विश्वविद्यालय। और भी है, आप देखते रहिए भोजपुर दर्शन। शादी विवाह के शुभ अवसर पर हॉलमार्क ज्वेलरी सोना चांदी के फैंसी गहनों के साथ आकर्षक साड़ियों के विक्रेता लल्लू शाह एंड सन्स ज्वेलर्स एवं साड़ी वाला, जेल रोड मैना सुंदर धर्मशाला के पास आरा, जहां एक ही छत के नीचे अब गहनों के साथ कपड़े भी खरीदें। डायमंड ज्वेलरी एवं ब्रांडेड ज्वेलरी के एक से बढ़कर एक डिजाइन किए हुए गहनों की खरीदारी एकमात्र भव्य शोरूम में, जिसका नाम है लल्लू शाह एंड सन्स ज्वेलर्स एंड साड़ी वाला, जिसका पता है मैना सुंदर धर्मशाला के पास जेल रोड आरा। मैं तेनु समझा
तेरे बिना लगता जी। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय फ्रॉम प्ले टू स्टैंडर्ड 10 विथ 3D प्रिंटिंग एंड रोबोटिक्स। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय बामपाली आरा। बासु ITI NCVT DGET से मान्यता प्राप्त आप सभी के सहयोग से लगातार 4 वर्षों से सफल होंडा कंपनी अहमदाबाद 2 व्हीलर्स और मैन फोर्स टाटा झारखंड 4 व्हीलर्स दोनों कंपनियों में लगभग 50 छात्रों की नियुक्ति तथा 100% छात्रों की नियुक्ति के लिए प्रयासरत। इलेक्ट्रीशियन, हीटर, डीजल मैकेनिक इत्यादि की तैयारी के लिए संपर्क करें बासु ITI कुलहरिया आरा भोजपुर। मोबाइल नंबर 9430032301 9334192301। शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी लोकप्रिय एवं लाखों संतुष्ट ग्राहकों की अपनी दुकान कुमार एंड सन्स ज्वेलर्स। आपको मिलता है 75% तथा 91.6% हॉलमार्क सोने के जेवरों के साथ शुद्ध चांदी के गहने, चांदी के बर्तनों के अलावा ब्रांडेड हीरे के जेवर तथा ग्रह रत्नों के विक्रेता। हीरे के जेवरों पर फ्लैट 15% की छूट पाने के लिए अवश्य पधारे शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी आपकी अपनी दुकान हरखेम कुमार एंड सन्स ज्वेलर्स गोपाली चौक। के उज्जवल भविष्य के लिए अंत वातावरण में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु संपर्क करें बालिका उच्च विद्यालय महादेवा रोड आरा। ब्रेक के बाद प्रदर्शन में पुनः आपका स्वागत है। जिला स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन स्थानीय छतिया स्कूल में किया गया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भाग ली। यह प्रतियोगिता के उपरांत प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। Thank you.
दिवस के अवसर पर एनसीसी के कार्यकर्ताओं ने सदस्यों ने एक जागरूकता रैली निकाली। रैली के माध्यम से आम जनता से निवेदन किया कि शिक्षा के दर में और ज्यादा वृद्धि करना हम सभी का कर्तव्य बनता है। एनसीसी के सदस्यों ने इसको लेकर एक नारे भी लगाई। पढ़ेगा लिखेगा भारत, पढ़ेगा लिखेगा भारत, पढ़ेगा लिखेगा भारत। क्या है कोई नहीं होता है कौन आप आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, पढ़े लिखेगा भारत, पढ़े लिखेगा भारत, या भाई बीआर बटालियन एनसीसी कर्नल निखिल कुमार के नेतृत्व में हम अभी रैली निकालना चाहते हैं। उसके द्वारा हम बताना चाहते हैं कि हमारे लिए और हमारे देश के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। और यह रामना मैदान से जाके जो कोटी पब्लिक मेरा नाम श्रेया कुमारी एनसीसी कैडेट। वीरपुर से विश्वविद्यालय की विधि व्यवस्था के साथ ही छात्र छात्राओं के पठन पाठन को लेकर प्रतिकुलपति ने अपने अधिकारियों के साथ एक बैठक किया। बैठक में विभिन्न कई बातों पर भी निर्णय ली गई। सरकार सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षक कर्मचारियों की बहाली करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। ऐसी बात आया था ना, आया था भी है। यूनिवर्सिटी को पावर होता डेली भाई संतुलन बदल और यूनिवर्सिटी बहाल करे ना, उस पर बहाल कर ले, परमानेंट विश्वविद्यालय बहाल करे, परमिशन भी सामाजिक न्याय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के माध्यम से लोगों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज में कई चीजों को लेकर अभी भी न्याय से काफी लोग वंचित हैं। उन्हें न्याय दिलाना हम सभी का कर्तव्य है। वैसे तो केंद्र सरकार या बिहार सरकार न्याय दिलाने पर अपनी बातें कहा करती है, लेकिन इन गरीबों की न्याय अभी तक नहीं मिल पा रही है। पोखरी के मुखिया त्रिवेणी शाह जी, हम लोग के सामाजिक न्याय के योद्धा और वीर सपूतों के हमेशा अवश्य जयंती मनाने वाले किसान प्रकोष्ठ राजद के सम्मानित अध्यक्ष नाम सकल सिंह भोजप्रिया जी, पिरोटा के मुखिया जी बरासी प्रसाद आजाद जी, अविनाश शर्मा जी, अनिल जी दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, अशोकना भाई, रविनाथ राम जी, भाई अरुण रजक जी, आज परिस्थितियां और सम्मानित हमारे सभी उपस्थित, कौन सी परिस्थितियां बात हो गई हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर, आज हम इसके लिए बैठक और आंदोलन कर रहे हैं। सामाजिक न्याय आंदोलन के तहत आज सामाजिक न्याय सम्मेलन हो रहा है। भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का पहला सम्मेलन है ये, आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ मोर्चा का इसी जिला। सोशल जस्टिस को नए दौर में नए सिरे से परिभाषित करने और उसका दायरा बढ़ाने के लिए ये आंदोलन हम लोगों ने छेड़ा है और पूरे बिहार में जिला सम्मेलन हो रहे हैं और अंतिम जो है 7-10 को पटना में सम्मेलन। सबसे बड़ी बात है कि आज के तिथि में जो सामाजिक न्याय पीछे चला गया है, सामाजिक न्याय को गलत अर्थ में लिया जा रहा है,
सामाजिक न्याय का अर्थ लोग समझ रहे हैं किसी पर कल्याण कर देना, किसी पर दया कर देना, किसी को सहानुभूति दिखा देना। अभी तक सोशल जस्टिस को इसी रूप में परिभाषित किया गया। हम सोशल जस्टिस को अधिकार और स्वाभिमान के साथ जोड़ना चाहते हैं। सोशल जस्टिस हमारा स्वाभिमान है, सोशल जस्टिस हमारा स्वाभिमान है, मेरा अधिकार है। इन्हीं बातों को लेकर हम लोग जो कार्यक्रम चला रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम चला रहे हैं, लोगों को बताने के लिए कर रहे हैं कि हमको दूसरे से लड़ाई नहीं है। जिस दिन सामाजिक न्याय के लोग समझ जाएंगे, सामाजिक न्याय के दायरे में आने वाले लोग, कोई हमारा बिगाड़ नहीं सकेगा। अगर कुछ बिगड़ रहा है तो हमको अपने कारणों से बिगड़ रहा है, अपने लोगों को बेवकूफ़ी से बिगड़ रहा है। हमारे लोग क्योंकि नहीं समझ पा रहे हैं इसलिए बिगड़ रहा है। इसलिए लोगों को सशक्त करना, जागरूक करना, इसी कारण से हम लोगों ने ये संविधान कर दिया। हरिकेश्वर राम, संस्थापक आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ। बताया आज आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ के नेतृत्व में और मोर्चा के नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम है। तो भोजपुर के तमाम अल्पसंख्यक हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, सभी वर्गों के सामाजिक कार्यकर्ता और प्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं। और हमारे पटना से इस मोर्चा के संस्थापक श्री हरिकेश्वर राम भी उपस्थित हुए हैं। तो हम लोग आज बैठक किए हुए हैं कि जिस तरह से संख्या अनुपात हो रहा है, हमारी अनुपात है उसके मुताबिक आरक्षण मिले। आज देश में देख रहे हैं दिन प्रतिदिन आरक्षण पर SC ST एक्ट पर नाना प्रकार की मामला आ रहा है। मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ अभी तत्काल में जो घटना घटी है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति एक्ट, मैं कहना चाहता हूँ कि आज बलात्कारियों के लिए भोर से भोर करने के लिए आम लोगों के लिए नहीं, आम लोगों को इस तरह से इसमें बलात्कारियों की जांच के बाद ही आज 300 धारा जो चलता है, जो हत्या करते हैं उनको सजा देने की बात है, तो क्या उसमें भी संशोधन किया जाए कि नहीं पहले जांच हो उसके बाद बलात्कारी हो, नाना प्रकार की एक नाना प्रकार की सजाएं पूरे वैसे लोग हम लोग भी हैं, सभी स्वर्ण जाति के लोग हैं, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, एक साथ खाना खाते हैं पीते हैं, हमें कोई शोषण नहीं करते हैं, पर उनके लिए बनाया गया है जो यदि अनुसूचित जाति के लोग शोषण करते हैं उनको उनके लिए कठिन की बात करें, क्योंकि आम लोगों अगर गलत है उनका अनुसार संविधान होता है उसी को थोड़ा सजा दिया है। और दिन प्रतिदिन देख रहे हैं आरक्षण गणनाथ जयंती के अवसर पर कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित श्रद्धालुओं ने भगवान गणनाथ की पूजा अर्चना किए, साथ ही भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। इस पर काफी ही श्रद्धा के साथ भगवान गणनाथ की पूजा अर्चना की गई।
वीरकुंवर विश्वविद्यालय के एमसीए डिपार्टमेंट में शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने अपने डिपार्टमेंट के शिक्षकों को सम्मानित भी किया। साथ में इस अवसर पर शिक्षकों ने कहा कि आने वाला कल का भविष्य इन छात्र और छात्राएं हैं। नामांकन की तिथि बढ़ाने को लेकर वीरकुंवर विश्वविद्यालय में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों का कहना है कि नामांकन तिथि में और ज्यादा वृद्धि किया जाए ताकि छात्र छात्राएं अपना नामांकन पत्र जमा कर सके। विद्यालय मुर्दाबाद 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 विश्वविद्यालय मुर्दाबाद 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 कॉलेज का प्रिंसिपल मुर्दाबाद 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 कॉलेज का प्रिंसिपल मुर्दाबाद 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 विश्वविद्यालय मुर्दाबाद 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 विश्वविद्यालय मुर्दाबाद 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 सिटी प्रशासन मुर्दाबाद 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 सिटी प्रशासन मुर्दाबाद 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 विश्वविद्यालय मुर्दाबाद 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 जैन कॉलेज के प्रिंसिपल मुर्दाबाद 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 एसबी कॉलेज के प्रिंसिपल मुर्दाबाद 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 सारा कर्मचारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये देखिए बिहार काउंसिलिंग के द्वारा 5 से 10 तक एडमिशन का डेट निकल चुका है। हम लोग 3 दिन से रोज आ रहे हैं, अबार क्षेत्र एरिया से हम लोग आ रहे हैं। यहाँ पे एडमिशन है कुछ ना, वहाँ से भगा के बोल दे रहा है लोग कि वीरकुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में चले जाइए। यूनिवर्सिटी में आने के बाद यहाँ पे बोल रहे हैं लोग कि 2:30 बजे 3 बजे मिलिएगा। वहाँ पे बस हम लोग का 3 बजे तक मिलती है, आसाम हो जाएगा तो वहाँ पे कौन जाएगा। कहाँ कहाँ के छात्र आज यहाँ पे बढ़ाना क्षेत्र शाहपुर छात्र आ रहे हैं। आज तक इंटर का डेट है, आज लास्ट डेट है और उसके बाद इंटरमीडिएट वगैरह। कुलपति से आप लोग मिले? कुलपति का कोई मिलने नहीं जा रहा है, मिलने ही नहीं। अरे कंट्रोलर को तबाह करते हैं, बोल रहे हैं कि मीटिंग चल रहा है। आपका प्रभाकर सिंह कहाँ से हैं? बढ़ारा से। बिहार सरकार की विभिन्न नीतियों के खिलाफ संकल्प सभा का आयोजन भाकपा माले के द्वारा बिहिया में किया गया। बिहिया में आयोजित संकल्प सभा को संबोधित करते हुए तरारी के विधायक ने कहा कि बिहार सरकार इस पर अभी भी काफी कुछ नहीं कर पा रही है और इसके लिए बिहार वासियों को एक संकल्प लेना चाहिए ताकि केंद्र सरकार और बिहार सरकार को उखाड़ फेंकें। किसान संघर्ष समन्वय समिति का गठन किया है जिसमें हमारा किसान संगठन भी है। पिछले 3 नवंबर को हम लोगों ने किसान मुक्ति रैली की थी और संगठन के लागत का दोगुना समर्थन मूल्य दिया जाए और जो है बटाईदार किसानों को पहचान पत्र दिया जाए, इस मांग पर यह संगठन कायम हुआ है और देश के सभी राज्यों में किसान लड़ रहे हैं। उनकी अलग अलग समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, लोग लड़ रहे हैं। आप में से मैं जानता हूं जो गांव से आए हुए श्रोता है, देश की खेती को कॉरपोरेट हथियाना चाहते हैं। अभी कई कई इलाकों में हम लोगों ने सर्वे किया, नारी अभ्यर्थियों ने फार्म भरा 1,27,00,000। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? परीक्षा परसों है, आज जो है आ रहा है कि आपका सेंटर पड़ा हुआ है भुवनेश्वर। आपका प्रसादी बांटना है, वो देश चलाएंगे। और पढ़े लिखे लोग जो अपना जमीन बेचकर लड़के को इंजीनियरिंग करा रहे हैं, डॉक्टरी करा रहे हैं, वो पकौड़ा बेचेंगे, क्या अच्छा दिन दिखा रहे हैं मोदी जी। खाता खोला जनधन खाता कि 15,00,000 रुपया है तो जितना जल्दी हो इस मोदी सरकार को चलता कीजिए।
कहा था अच्छा दिल लाने का तो फिर देहगुना समर्थन मूल्य देने का और लागत में भी घाटा। क्या कहा कि 2 करोड़ काम देंगे, बोल रहे हैं मोदी जी की काम नहीं है। 4.5 लाख पद विभिन्न विभागों के पिछले 5। इसीलिए हम लोगों ने बिहार में भाजपा भगाओ देश बचाओ अभियान चला रखा है। ये भाजपा भागेगी हटेगी तभी जो है देश में लोकतंत्र रहेगा और देश बचेगा। इसीलिए हम लोगों ने 27 सितंबर को लाखों की तादाद में यहाँ जो है पटना के गांधी मैदान में भाजपा भगाओ देश बचाओ रैली का आयोजन किया है, जिसके मुख्य वक्ता हमारी पार्टी के महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य। तय करेंगे कि कौन दाढ़ी रखेगा और कौन सफा चकमूस रखेगा, ये लोग तय करेंगे। कौन लुंगी पहनेगा, कौन धोती पहनेगा, ये तय करेंगे कि कौन कौन धर्म मानेगा। हमारे हिंदू धर्म में भी अरे कितना करोड़ देवी देवता है, कोई एक कहे आकर के कि ना खाली हनुमान जी का पूजा करना है तो जो शिव भक्त है वो मानेंगे हैं? नहीं मानेंगे। तो ये आप राज जो चलाना चाहते हो हिंदू के नाम पर, वो हिंदुओं का राज नहीं है। वो सब नजर देश की खेती पर है। अब उनका जो है पेट नहीं भर रहा है डीजल पेट्रोल बेचने से, मोटर गाड़ी मोबाइल बेचने से पेट नहीं भर रहा है। उनको लगता है कि अनाज की सबसे ज्यादा खपत है देश में, हर किसी के परिवार के हर सदस्य को अनाज चाहिए, रोज माड़ भात ही चाहिए, नमक रोटी ही चाहिए, लेकिन अनाज चाहिए। अगर खेत जो है खेती जो है अडानी अंबानी के हाथ में आ जाए तो क्या कहना है अरबों खरबों का मुनाफा। ये डीजल पेट्रोल की तरह अनाज का भी दाम बढ़ाएंगे। हमने कई किसानों को कहा जिन्होंने अपनी खेत पटाई पर लगाई है कि कल गए आपके गांव में आकर के अडानी अंबानी का एजेंट बैठ जाएगा कुर्सी टेबल लगाकर और कहेगा कि भाई तुम क्यों 17,000 रुपए बीघा दे रहे हो बटाई, हम तुमको 22,000 रुपए बीघा देंगे। आप बताइए कि आप किसको खेत दीजिएगा, थोड़ा राम को दीजिएगा, मंगरू पासवान को दीजिएगा, जिनके खाते में 3200 रुपया से कम रहेगा, बैंक का किराया लगेगा हर महीना 200 रुपए का, और जिनके खाते में 1 लाख से ज्यादा की रकम होगी उसकी गारंटी सरकार की नहीं। अगर किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए बैंक में 10 लाख जमा किया है, की दुकान खोल लेंगे अपने घरों में तो उसको खाएगा कौन मोदी जी, कौन खाएगा? तो जो बीटेक किए हैं, जो MBBS किए हैं वो पकौड़ा बेचे, और जो बाबा लोग हैं, बाबा लोग देश चलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है, जहां व्यापक घोटाला हुआ हजारों करोड़ का, 200 गवाहों का मर्डर हुआ वहां। उसी शिवराज सिंह की सरकार ने 5 साधुओं को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। तो गारंटी सरकार की नहीं, 1 लाख रुपए की उसकी, 9 लाख गया। तो घर में रखिए तो चोर डाकू का डर, बैंक में रखिए तो विजय माल्या नीरव मोदी का डर, क्या करे आदमी। ये अच्छा दिन है, इस पर विचार कीजिए। इसी पर विचार नहीं हो रहा, इसीलिए दिमाग दौड़ा रहे हैं लोग इधर उधर इधर उधर, इसीलिए जो संकल्प सभा है माने संघ परिवार जो है भाजपा भोजपुर को अपनी प्रयोगशाला बनाना चाहता है, जहां मॉब लिंचिंग हो गाय गेरू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, दलितों के नाम पर, महिलाओं के नाम पर। दुनिया में जो 20 जुलाई को शर्मसार कर देने वाली घटना घटी वो उसी का उदाहरण है। इन लोगों ने बीफ के नाम पर रानी सागर में एक माने व्यवसायी की पिटाई की, बर्बर पिटाई की, पीरों में 2-2 बार दंगा फैलाने का प्रयास किया, सहार में फैलाने का प्रयास किया, और जो है अब नहीं शहर को चुना है। तो हम इसकी मुखालफत करते हैं और हम अंतिम दम तक इनके खिलाफ में लड़ेंगे, ठीक ना। ये माने अच्छे दिन लाने का नारा है जो है फेल हो गया, रोजगार 2 करोड़ देने का फेल हो गया, किसानों को उनके लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का मामला फेल हो गया, अब उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं इनका।